हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रबल एससी एग्ज़ाम व यूपी पीसीएल एग्ज़ाम को लेकर। तो ये आपका है रीजनिंग का क्लास नंबर 10। सारे क्वेश्चन होंगे टॉप के, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और टॉपिक वाइज यहाँ पर मैं आपको ये पूरी स्टडी करवा रहा हूँ, पूरा कम्प्लीट सिलेबस यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ। तो मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देखने के लिए फॉलो करें मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे जो कि आपके यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, युवा कल्याण, यूनियन सेशन व यूपीपीएससी एग्जाम के लिए मैं आपको लगातार कोर्स दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये सारे कोर्स आपको मैं लगातार पहले दे चुका हूँ, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मॉक टेस्ट, और यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, मैथ के आपके लेसन्स, इसके अलावा क्रैश कोर्स, जनरल हिंदी का क्रैश कोर्स, जो है करंट अफेयर का, ये सारे कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पेशल क्रैश कोर्स दे रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, युवा कल्याण व यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूपी पीसीएल से संबंधित भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और फॉलो करें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम, और बेस्ट कोर्सों के लिए ज्वाइन कर लिए मुझे फॉलो कर लिए अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी व यूपी पीसीएल एग्जाम के। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम 7.5 यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से और 12 इसमें हम ऐड कर दें, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 57। अब इस 57 में इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किए 6 से, तो यहाँ पर करेंगे 5 से, और इसमें हम 12 ऐड किए तो यहाँ पर हम 10 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 295, यानी कि 295। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे कि 295 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब किससे, 4 से, और वहाँ पर हमने 10 ऐड किया था इसमें, तो इसमें हम 8 को ऐड करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है, जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आपका आता है 1188 निकल कर आता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर आपका लिखा है 1088, जो कि क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपका जो रॉन्ग नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग पद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 7.5 को हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई और 12 को ऐड करेंगे, तो 57 आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे, 57 को हमने किया 5 से मल्टीप्लाई अब इस बार, और यहाँ पर 10 इसको ऐड किया, यानी कि एक कम, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर आगे 5 से मल्टीप्लाई, 12 जोड़ा तो आगे यहाँ पर 10 जोड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे 295 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ पर 5 से किया तो आगे 4 से करेंगे, यहाँ पर 10 ऐड किया तो यहाँ पर 8 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका आता है 1188, ठीक है। जबकि आपका जो सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, 1088 है, तो यहाँ पर ये आपका है मिस्टेक। अब आगे इसी तरह से हम 1188 इसको हम करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 जोड़ा तो यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3570, ठीक है। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे और आगे, तो 3570 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 ऐड करेंगे तो 7144 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो नंबर सीरीज है कम्प्लीट होता है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आ चुके हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको गलत पद निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, 256, 245, 223, 190, 140, 90, यहाँ पर आपको गलत पद निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 256, 245 इनमें अंतर कितना है, माइनस का 11 अंतर है, यानी कि कम हो रहा है। 245, 223 कितना अंतर है, माइनस का 22 का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर क्या है आपका, 223 से 190, ठीक है, कितना अंतर है यहाँ पर, माइनस का 33 का अंतर है। 190 और 146 कितना अंतर है यहाँ पर, तो अंतर यहाँ पर क्या है, माइनस का 44। अब 146 से 90, तो 146 से 90 है, तो यहाँ पर आपको जो अंतर आएगा कितना आएगा, अगर हम 146 है यहाँ पर, यहाँ पर आपका 90 है, ठीक है। तो देखिए 6 और 14 में 9 गया, ठीक है, 9 5 14 यानी कि 56 यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपका जो क्रम, जो नंबर सीरीज का जो यहाँ पर क्रम चल रहा है, 11 का अंतर, फिर 22 का अंतर, फिर 33 का अंतर, फिर 44 का अंतर, तो आगे यहाँ पर 55 का अंतर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 56 का अंतर आ गया। तो गलती कहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर 90 की जगह पर आपका 91 होना चाहिए था, जिससे कि अंतर आपका आएगा 55 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे में अंतर क्या है, 11 का है, फिर 22 का हो गया, फिर यहाँ पर 33 हो गया, फिर 44 हो गया, तो आगे क्या होगा, 55 होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका होगा गलती है 90, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है यह आपका है रॉन्ग पद इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पहचानेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका दिया गया है 12, 16, 25, 41, 66, 104। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चार आपके आंसर दिए गए हैं। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको बताना है इसका रॉन्ग पद आपको इसका निकालना है। ठीक है, तब क्या करेंगे 12 और 16, यहाँ पर 12 16 में अंतर क्या है 4 का, यानी कि 4 का अंतर, यानी कि आपका है क्या 2 का स्क्वायर है। 16 और 25 में कितना अंतर है, 16 25 में आपका जो अंतर है दोस्तों क्या है, यानी कि 9, मतलब ये 3 का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, 25 और 41 में अंतर क्या है 16 है, यानी कि यहाँ पर आपका ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, आगे बात करेंगे 41 और 66 कितना अंतर है 25 का, यानी कि 5 का स्क्वायर है। तो सिंपल सा आपको ये एक बात समझ में आ गया कि 12 16 में 2 का स्क्वायर अंतर है, 16 25 में 3 का स्क्वायर अंतर है, 25 41 में 4 का स्क्वायर अंतर है, 41 66 में 5 का स्क्वायर अंतर है। तो आगे मतलब कि 6 का स्क्वायर वाला अंतर होगा, तो सिंपल सा 66 यहाँ पर है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होगा, होता है इसको हम ऐड कर लेंगे 6 6 12 6 3 9 10, यानी कि 102 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है 104 है। तो आपका गलती क्या है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपका क्या है मिस्टेक है, तो आपका जो रॉन्ग पद है गलत पद क्या है 104 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, ये इसका पूरा सोल्यूशन है, अब इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41, तो यहाँ पर आपको बताना है रॉन्ग पद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका आसान है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अभी आपको बताना है रॉन्ग पद। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 17, 19, ठीक है 17 और 19, फिर 19 से क्या हुआ 23, 23 से आपका 29 हो गया, फिर 33 है, फिर 37 है, फिर 41 है। तो इस पूरी चीज़ को देखकर एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर 17 से 19 यानी कि अभाज्य संख्याओं का ये पूरा क्रम यहाँ पर चल रहा है। 17 से 19 यानी कि ये 17 भी आपके अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। ठीक है, फिर 33 से लेकिन आपके ये अभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर मिस्टेक किस में है, यानी कि 33, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। तो इस तरह से आप जो है देखकर ही सिर्फ इसका आंसर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्रम है सीरीज का ये आपका अभाज्य संख्याओं का चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या 17 से 19 हो गया, यानी कि 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य संख्या है, 19 से 23, 19 भी अभाज्य, 23 भी अभाज्य, 29 भी अभाज्य है। ठीक है, फिर 33 यहाँ पर क्या हो गया भाज्य हो गया, 41 भी यहाँ पर आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 7, 17, 41, 85, 179, और यहाँ पर किस संख्या में आपका मिस्टेक है। ठीक है, तो कौन सा पद यहाँ पर आपका गलत है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस पूरी सीरीज में, चार आपके आंसर दिए गए हैं 7, 3 से 7 हुआ, यानी कि अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लें, 3 में 6, 7 हो गया, फिर 7 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें और 3 को ऐड कर लें, 7 14 3 17 हो गया। ठीक है, फिर 17 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम 5 को ऐड कर लें, 17 दूना 34 34 में हम करेंगे 5 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब 34 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 34 में 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यानी कि 39 आएगा आपका, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 41 लिखा है। तो गलती कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 41 में। ठीक है, कैसे, जैसे कि यह है आपका 7, 3, 7, 17। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ 41, 85, 179, तो क्या है कि हमने 3 में जो है 2 का मल्टीप्लाई किया, 1 को ऐड किया, 7 आ गया, फिर हम अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया था, 1 ऐड किया था, 7 में 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 3, 5, 7, 9 ऐसे हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई 5 को ऐड किया, 41 आ गया, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 39। ठीक है, अब 39 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को ऐड करेंगे तो आपको 85 मिल जाएगा, 85 में 2 का मल्टीप्लाई 9 को ऐड करेंगे तो 179 मिल गया। तो यहाँ पर आपका जो क्रम है ये आपका सही होगा और गलती कहाँ पर है आपका 41, यहाँ पर आपका क्या है मिस्टेक है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका रहेगा डी, राइट आंसर।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, ए जेड सी एक्स एफ यू, तो श्रृंखला में अगला जोड़ा कौन सा होगा। चार आपके आंसर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके हैं किसके, वर्णमाला से, ठीक है, यानी कि आपका जो अल्फाबेटिकल सीरीज होता है उससे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए और सी में अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, फिर सी और एफ में क्या अंतर है और एफ के बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ए और सी में क्या अंतर है, प्लस दो का, यानी कि ए से बी एक हो गया, बी से सी आपका दो हो गया, ठीक है। सी और एफ में क्या अंतर है, यानी कि सी से डी और सी से डी, डी से ई, ई से एफ, यानी कि सी और एफ में क्या है, प्लस तीन का अंतर है। तो पहले प्लस दो का अंतर, फिर प्लस तीन का अंतर, तो एफ के बाद क्या है, प्लस चार का अंतर होगा। तो F के बाद प्लस चार को हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो आपका निकल के क्या आएगा, यहाँ पर J निकल कर आ जाएगा। और इन सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर J है, A में, ठीक है। तो इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम पेपर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया J, अब Z से X है, यहाँ पर देखेंगे, यानी कि Z से X क्या है, यानी कि माइनस का दो पीछे गया, ठीक है। फिर X से U हुआ, यानी कि माइनस के तीन पीछे गया, तो माइनस का दो पीछे, माइनस का तीन पीछे, तो आगे माइनस का चार पीछे रहेगा। जब माइनस का चार हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर पेपर की बात करें तो अगर हमको यहाँ पर जे मिल गया और किसी भी ऑप्शन में जे नहीं है तो इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला यहाँ पर सेवन, ए ट्वेल्व, ई फोर्टी एट, आई फोर्टी सिक्स, ओ वन एट्टी फोर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए और ई, ठीक है, यानी कि अगर हम 12 में, अब पहले हम इनकी जो संख्याएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम 12 में मल्टीप्लाई करते हैं चार का तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 48, फिर 48 में दो को घटा दें फिर आपका आ गया 46, फिर 46 में हम चार को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 184, और 184 फिर यहाँ पर हम दो को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 182, और 182 यहाँ पर कहाँ पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसी को टिक करेंगे और पेपर में हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है कि 12 में हमने चार का क्या मल्टीप्लाई, तो आपका आगे 48 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, 48 में हमने दो को लेस कर लिया आगे वाले स्टेप में, तो 46 मिल गया। फिर हमने 46 में जो है चार का मल्टीप्लाई किया तो 148 आ गया, 184 आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमने 184 में हमने टू को लेस कर दिया तो यहाँ पर 182 आ गया, यानी कि आपका क्रम क्या है कि चार का मल्टीप्लाई संख्याओं में दो को घटाना, फिर चार का मल्टीप्लाई, फिर दो को घटाना, फिर चार का मल्टीप्लाई, फिर दो को घटाना, तो इस तरह से 182 यहाँ पर आपका आ गया। और ये एक ही ऑप्शन में है तो इसी को टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब बात करते लेते हैं अल्फ़ाबेट का, तो यहाँ पर देखिए सारे वावेल लिखे हुए हैं, ए भी वावेल है, ई भी वावेल है, आई भी वावेल है, ओ यू भी वावेल है, तो यानी कि यू भी आपका रहेगा वावेल, और चारों ऑप्शन में यहाँ पर यू ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू 182, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, जे एक के, एल तीन एम, एन फाइव ओ यानी कि पाँच ओ, पी सेवन क्यू यानी कि पी सात क्यू, आर नौ एस, यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने मन से और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है। तो ये आपका है होमवर्क। तो दोस्तों ये था आपका जो है क्लास नंबर 10, जहाँ पर हमने बात किया इस टॉपिक के बारे में। पूरा टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, रेट करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास नंबर 11 में हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक के बारे में, यानी कि नए टॉपिक के बारे में, क्लास नंबर आपका 11 वहाँ पर चलेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।